काजल हमारी आवाज सुन रही हो तो प्यास कद्दी पे आ जा, आजा बिटिया काजल। जब बालक का जन्म हुआ है आदि तूफान आने लगे, 49 पवन संदाने लगे हैं। इधर महाराज जब आदि तूफान आने लगे हैं, 49 पवन संदाने लगे हैं, तो महाराज धीरे धीरे बालक जब बड़ा हुआ गर्गाचार्य जी ने उसका नाम रख दिया कंस। अब महाराज कंस धीरे धीरे बड़े हुए हैं तो अत्याचार करने लगे, बचपन से ही अत्याचार करना शुरू हो गए। छोटे छोटे बालकों को जमीन में दबा देते हैं, किसी को तालाब में डुबो देते हैं, किसी को मार देते हैं। बचपन से ही अत्याचार करना जब शुरू हो गए हैं तो महाराज इधर धीरे धीरे और बड़े हुए। कंस ने अपने साथियों को इकट्ठा कर लिया। काजल हमारी आवाज सुन रही हो तो प्यास कद्दी पे आजा बिटिया काजल। आज भर महाराज कंस जो है जब वो अपने साथियों के साथ में रहने लगा, धीरे धीरे जब बड़ा हुआ है इसके कई साथी हो गए, एक नहीं अनेक। तो एक दिन की बात है कि बरसाने से 4-5 लड़कियां जो है आज दही बेचने के लिए मथुरा की तरफ पड़ी है। जब मथुरा की तरफ पड़ी है तो उसी समय देख लिया लड़कियों को देखा, बोले ये बताओ कहाँ जा रही हो, बोले मैं मथुरा में जा रही हूँ दही बेचने के लिए। दही बेचने के लिए? बोले हाँ। बोले ये बताओ तुम में से शादी कितने की हो गई, बोले 3 की शादी हो गई और 2 अभी कुंवारी है। साथियों से सारा दिया है मथुरा नगरी मैं तुम तो राजा जी से क्या कहती है
खड़ा किया है। बोले ये बताओ तुम मथुरा में दही बेचने के लिए जा रही हो, तुम्हारा विवाह बरसाने में हुआ है? अरे मथुरा में क्या सब मर गए थे, बरसाने में पिया गया है, साथियों के सारा दिया है। ऐसा करो पांचों लड़कियों को बांध दो ब्रज से, इन्हें इतनी मार लगा पेट के बल नगिन करके जमीन पर चढ़ा। आज धरो कंस ने उन लड़कियों को वस्त्रहीन करके आज जमीन पर चलवाया पेट के बल। बड़े अत्याचार किए हैं, पांचों लड़कियां जो है भाग करके पहुंची है कहां, अपने बरसाने में अपने अपने पिताओं से जाकर के शिकायत की है, कहा कि